नमस्ते दोस्तों, उषा विलेजपुर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों खेत में आए हुए हैं, यहाँ से आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा खेत दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखते रहिएगा। तो आप लोग देखिए ये क्या है, पत्ती नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये दोस्तों मूली है, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा, बहुत ही बढ़िया पत्ती दोस्तों आगे से तोड़कर भैंस का खिलाया गया है, मूली भर है। तो मूली भी हमें लेना है, चलिए आप लोग दिखाते हैं उधर आलू के। दोस्तों कुला पे जो है मूली जो है बोया जाता है, तो बहुत ही मोटी मोटी बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए ढेर सारा जो है रेसिपी बनता है, और सब नाश्ते में और सलाद में भी खाते हैं। तो चलिए आप लोग उखाड़ते हैं, बहुत टाइट वायर। यह पत्ती जो है नहीं नोचा गया है, और इधर भी एकदम बिल्कुल वैसी ही है मूली, बहुत ही अच्छा जो है मूली तैयार है। दोस्तों हम लेंगे यहाँ से ढेर सारी मूली, हम बड़ी मोटी है। मैं ढेर सारा बोए दे हैं मुरैया अंकल, तो ये का होए बेचबो ना कि हैं सब्जी बने भी सब सब्जी। अरे बाप रे खाते मकवा उठा, तो सब्जी बनाने के लिए दोस्तों ढेर सारा जो है हम बोए हुए थे और पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। ये मूली दोस्तों अच्छा लग रहा था, हमसे नहीं उखड़ रहा था। ये वाला देखिए इतनी मोटी जो मूली आप लोग देखे होंगे कि नहीं, ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटी है। एक भी दोस्तों मूली जो है ऊपर नहीं गई है, ये देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोग बनाकर दिखाएंगे। तो एक दोस्त है दोस्तों इधर भी उपाल लेते हैं, बहुत सीधा सीधा है ये। ढेर सारा हमने ले लिया है, तो पत्ती को हम तोड़ देते हैं। देखिए इसमें बहुत ज्यादा गुलाहट हो रहा है, थोड़ा सा रहता है मूली पत्ती में। तो आप लोग भी चलिए हमारे घर, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाएंगे। बहुत अच्छा जो है मूली में खुशबू आ रहा है, जो मूली टूटा हुआ है वहाँ से। तो मूली को लेकर आ गए हैं, इसे अच्छे से हम धोएंगे। तो मूली में जो है रेशा नहीं है, बस साफ करना है अच्छे से रगड़ रगड़ कर। तो मूली को अच्छे से हमने साफ कर लिया हुआ है, दूसरी मूली को साफ करेंगे। छीलने से थोड़ा सा हम खरोच देते हैं, जैसे अच्छे से एकदम साफ हो जाए। तो रगड़ रगड़ के अच्छे से हम साफ कर रहे हैं, देखिए हल्का हल्का जो काला काला है उसे हम छीलने से थोड़ा सा इस तरह से खुच देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खुचना है, क्योंकि जो तीखापन होता है वो निकल जाता है। मूली को अच्छे से धोने के बाद इसे हम काटेंगे, तो मूली के बनाएंगे अचार। तो चलिए इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। तो एक में हम चार टुकड़ा करेंगे, तो देखिए चार टुकड़ा हमने कर लिया हुआ है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़े में हम काट देंगे इस तरीके से। तो पंसुल से बहुत ही बढ़िया जो है कट रहा है। तो एक बराबर बराबर हम काट रहे हैं, देखिए। तो मूली दोस्तों जब उड़ा जाता है तो जाली जाली सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, उड़ान नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, देखिए अच्छा लग रहा है। इस तरह देखिए इसे पर बहुत ही बढ़िया है, जैसे मूली रहता है बिल्कुल वैसे ही, ख़राब नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी हम पंसु से काट कर रख लेते हैं। तो धूप जब रहता है दोस्तों तभी अचार खटाई जो है बनता है, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो ज़रूरत के हिसाब से मूली को हमने काट लिया हुआ है, तो काटने के बाद हम इसे इस पर फैला देंगे, तो अच्छे से सूखेगा। तो चलिए इसे अच्छे से सूखने देते हैं, दूसरी टाइम इसका हम बनाएंगे अचार। तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक लगते रहिए। तो देखिए दिन भरे में मूली हमारा बहुत ही अच्छे जो है सूख गया है, जितना मुझे सुखाना था उतना सूख गया है। तो थाली में हम पलट लेते हैं, तो सभी जाली में से जो है मुरई हम थाली में पलट लेंगे।
तो मूली को पहले हम एक दिन के लिए निमकाएंगे, तो इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो अचार में दोस्तों हल्का जो है नमक ज़्यादा ही रहता है, उसी हिसाब से डालेंगे। तो नमक और हल्दी को अच्छे से मिला लेते हैं। तो अब इसे हम डालेंगे नींबू का रस। तो एक नींबू हमने रस डाल दिया है, दोबारा इसको भी डाल देते हैं। नींबू का जो है बीज निकाल कर तब हम डाल रहे हैं इसमें। तो नींबू का रस डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। मूली का अचार दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये देखिए इस तरह से हमने मिला दिया हुआ है। अब इसे हम डिब्बे में भर के रखेंगे रात भर के लिए। ये देखिए डिब्बा जो है एकदम अच्छे से हमारा सूखा हुआ है। तो अब धनिए को हम इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं भूनने के लिए। साथ में सब को भी डाल देते हैं, जीरे को भी डाल देते हैं, और तीनों साथ में हम भूनते हैं। तो खुशबू बहुत अच्छे से आ रहा है और चिटचिट की आवाज कर रहा है। तो ये देखिए अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में पलटेंगे। जब पानी पी लो, पानी पी लो। तो थोड़ा थोड़ा सिलपट्टे पर रख के हम पीसते हैं। तो बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है। तो भुना हुआ जो है मसाला रहता है बहुत अच्छे खुशबू देता है। तो मसाले को हमने पीस कर तैयार कर लिया हुआ है, अब थाली में उठाकर लेकर चलेंगे। तो नींबू जो मूली है हमारा बहुत ज्यादा जो है मैंने सुखवा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इसमें पानी नहीं छोड़ेगा। बस नींबू का रस है उसे मिलाकर इसे हम ढक देंगे। देखिए इस तरीके से ढक देंगे, कल हम इसे धूप में हल्का सा खोलेंगे। तो आज हम मूली का अचार बनाएंगे। तो देखिए आज 3 दिन हो गया और बिहान से हम बनाने वाले थे तो नहीं समय मिल पाया। तो चलिए देखिए इसे हम इसमें पलट देते हैं। तो मूली में बहुत ही से जो है खुशबू आ रहा है। तो अच्छे सूखा हुआ था, देखिए ढेर सारा जो है पानी नहीं इसमें छोड़ा हुआ है। तो जो मसाले पीसे हुए थे भूनकर वही हम मिलाएंगे पहले। देखिए इसी थाली में रखा हुआ था हमने भुना हुआ जीरा है, इसे भी हम डाल देते हैं। इसी में खुशबू बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये काला नमक है इसे भी डाल देते हैं। डालने के बाद बहुत अच्छे से जो है मिला लेंगे हम। तो मूली का अचार दोस्तों बहुत जल्दी जो है बन जाता है। देखिए बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो बहुत ज़्यादा हमने मसाले नहीं मिलाया हुआ है, देखिए बहुत हल्का हल्का, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और चलिए इसे डिब्बे में हम डाल देते हैं। तो नींबू का रस दोस्तों आप लोग और में थोड़ा सा मिला सकते हैं गीला गीला अगर आप लोग चाहें तो। तो डिब्बे में हमने भर दिया हुआ है, इसे हम ढकेंगे नहीं, इस तरह से रखेंगे जिससे जो पानी पानी हल्का सा रहेगा तो सूख जाएगा। तो आज हमने मूली का अचार बनाया। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।